हेलो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरत धरती पर आपका स्वागत है, जहां हर कोने पर प्रकृति का वैभव इंतजार कर रहा है। आज हम आपको पूर्वी हिमालय के बीच बसे एक मंत्रमुग्ध करने वाले गंतव्य पासीघाट की आभासी यात्रा पर हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस करामती जगह के बारे में छिपे हुए रत्नों और आकर्षक तथ्यों का पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित पासीघाट अरुणाचल प्रदेश का सबसे पुराना शहर मंत्रमुग्ध करने वाले छिपा हुआ रत्न है। ये पूर्वी सियांग जिले के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है और शक्तिशाली सियांग नदी के तट पर स्थित है। शहर घने जंगलों, घुमावदार पहाड़ियों से घिरा हुआ है और हर मोड़ पर लुभावनी दृश्य प्रस्तुत करता है। आइए पासीघाट के बारे में कुछ आकर्षक फैक्ट्स जान लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, पासीघाट को अक्सर गेटवे टू अरुणाचल प्रदेश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये राज्य स्टार्टिंग पॉइंट के रूप रणनीतिक स्थान है। ये मेचुका सहित इस क्षेत्र की लुभावनी सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता की खोज करने वाले कई स्थानों के लिए प्रारंभिक पॉइंट के रूप में कार्य करता है। नंबर 2, तिब्बत से निकलने वाली शक्तिशाली सियांग नदी पासीघाट से होकर बहती है, जो इसे साहसी उत्साही लोगों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाती है। यह रिवर राफ्टिंग, एंगलिंग और बोटिंग के लिए रोमांचकारी अवसर प्रदान करता है, जिससे आगंतुकों को प्रकृति की कच्ची सुंदरता में खुद को विसर्जित करने की अनुमति मिलती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि पासीघाट कोई जातियों जनजातियों का घर है? आदि और गालो जनजाति इस क्षेत्र पर प्रमुख जातियां हैं और उनकी जीवंत संस्कृतियां और पारंपरिक त्योहार शहर में एक अनूठा आकर्षण जोड़ते हैं। आगंतुक आरन, सोलुंग और एतोर जैसे रंगीन त्योहारों को देख सकते हैं, जहां पारंपरिक नृत्य और अनुष्ठान केंद्र में आते हैं। फैक्ट नंबर 4, पासीघाट एक प्रभावशाली वन्यजीव अभयारण्य टेंग एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दावा करता है। 190 वर्ग किलोमीटर में फैला ये प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव उत्साही लोगों के लिए एक स्वर्ग है। यहां आप राजसी, रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन वाइल्ड बफेलो और गंगेटिक डॉल्फिन सहित विभिन्न लुप्तप्राय प्रजातियों को देख सकते हैं। अब आइए इस मनोरम शहर में कुछ पर्यटन स्थलों का पता लगाए। पांगिन, पासीघाट में कुछ ही ड्राइव पर स्थित पांगिन सियांग नदी के सुरम्य दृश्य और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है, जो विश्राम के लिए एकदम सही है। केकर मोर्निंग, ये सुंदर दृष्टिकोण पासीघाट शहर, शक्तिशाली सियांग नदी और आसपास के परिदृश्य का एक मनोरम दृश्य प्रदान करता है। लुभावनी तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए ये एक आदर्श स्थान है। राणाघाट पुल, ब्रिज ओवर ट्रेवल्ड वाटर्स के रूप में जाना जाता है। राणाघाट पुल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, जो पासीघाट को मेवो से जोड़ता है। ये सियांग नदी के आश्चर्यजनक दृश्य प्रदान करता है और फोटोग्राफी के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। डेंग एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, ये अभयारण्य वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक आश्रय है। सिर्क वाटरफॉल, ये झरना पासीघाट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये स्विमिंग, पिकनिक और कैंपिंग के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। बोडक सीनिक एरिया, ये क्षेत्र सियांग नदी के तट पर स्थित है। ये बोटिंग, मछली पकड़ने और पक्षी देखने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के इस वर्चुअल दौरे में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको इस छिपे हुए रत्न के फैसिनेटिंग फैक्ट्स और मनोरम पर्यटन स्थलों के बारे में जानने में मजा आया होगा। चाहे आप एक साहसिक साधक हो, एक प्रकृति प्रेमी हो या एक सांस्कृतिक उत्साही हो, पासीघाट में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। अगली बार तक हमारी अविश्वसनीय दुनिया के चमत्कारों को खोज करते रहिए। धन्यवाद।